इस ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी श्रोताओं का एवं गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एवं फेसबुक पेज पर भी या अन्य जगहों पर जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम सभी परंपरा के अनुसार अपने आराध्य भगवान धन्वंतरी जी की स्तुति करेंगे और मैं भगवान धन्वंतरी जी की वंदना के लिए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वाशरणे जी भाई साहब का आह्वान करता हूं। भाई साहब, आप धन्वंतरी भगवान जी की वंदना करें। अपने स्थान पर सीधे बैठे हैं और मेरे साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और बाद में मैं जब बोलूंगा तो केवल सुनेंगे, उस समय पर बोलेंगे नहीं। सीधे बैठिए, श्वास भरिए। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। काशी प्रांत के हमारे सह प्रांत कार्यवाह माननीय श्री सोहनलाल श्री माली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आरोग्य भारती के विषय पर प्रकाश डाला जाए। आरोग्य भारती है क्या, तो हम संक्षिप्त, ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत संक्षेप में हम आरोग्य भारती के बारे में डिस्प्ले दिख रहा है सभी को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरोग्य भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुसांगी शाखा है, संगठन है, जो योजनात्मक, प्रशिक्षणात्मक एवं कार्यक्रमात्मक इन 3 आयामों पर विशेष रूप से कार्य करती है।
योजनात्मक यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग आरोग्य मित्र प्रशिक्षण देते हैं, स्वस्थ ग्राम योजना, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन, महिला कार्य, समर्थ किशोरी विकास एवं प्रकाशन इत्यादि, ये सब योजनात्मक कार्य करते हैं। दूसरा आता है प्रशिक्षणात्मक, इसके अंतर्गत हम लोग स्वस्थ जीवन शैली, घरेलू उपचार, प्राथमिक उपचार, वन औषधि प्रचार प्रसार, योग प्रचार प्रसार, जैसा कि इस समय हम लोग एक सप्ताह से योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, योग प्रचार प्रसार सिर्फ एक सप्ताह नहीं, हम लोग वर्ष भर इसके योग के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, सूर्य नमस्कार प्रचार, मधुमेह योग प्रबंधन। एवं तीसरा है कार्यक्रमात्मक, जिसपे एक रथ सप्तमी, विश्व योग दिवस जो हम लोग मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, धन्वंतरी पूजन, हम लोग दीपावली के आसपास भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, धन्वंतरी जयंती, भारतीय स्वास्थ्य चिंतन, गर्भ संस्कार, इस विषय पे भी बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आरोग्य भारती काशी प्रांत के द्वारा भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कानपुर से डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम ने अपने विचार रखे थे। चिकित्सक सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती रहती हैं, प्रांत विशेष में चलने वाले अन्य कार्यक्रम यथा पर्यावरण, व्यसन मुक्ति, परंपरागत वैद्य सम्मेलन, ये सभी कार्य हम लोग आयोजित करते रहते हैं। आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। इसको ध्येय मान के हम लोग रोगी मतलब बीमार ही ना पड़े व्यक्ति, और उसको हम बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद का भी एक पहला उद्देश्य है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और इसी उद्देश्य पे आरोग्य भारती कार्य करता है। मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ एवं कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए आरोग्य भारती विंध्याचल विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी का आह्वान करता हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे संचालित करें। धन्यवाद अवनी जी। अब मैं सबसे पहले अपने आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी से आग्रह करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें, और आज छठवां विश्व योग दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद अवस्थी जी। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का बहुत बहुत प्रणाम एवं अभिनंदन, एवं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सोहन लाल शिमाले जी, सह प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि डॉक्टर अवनीश पांडे ने कहा, की तरफ से बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, और कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिर्फ आज नहीं, विगत एक हफ्ते से या 8 दिनों से एक योग कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग योग प्रबोधन आयोजित कर रहे हैं, योग शिविर आयोजित कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के मार्फत कर रहे हैं कोरोना काल के संदर्भ में। तो हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम 14 तारीख को किए थे, 14 जून को, जब हमारे मंच पर योगाचार्य ज्वाला सिंह जी ने बहुत ही उत्तम योग प्रबोधन व डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो कि फेसबुक लाइव पर प्रसारित हुआ था। 14 और 15 तारीख को उन्होंने किया था और अभी भी करते जा रहे हैं प्रतिदिन, और ये हमारे हर्ष की बात है कि हर कार्यक्रम में करीब 2 से 2500 लोग इनके कार्यक्रमों को देख रहे हैं रोज फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर। दिनांक 16 तारीख को योग का स्वरूप प्रबोधन में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी ने एक प्रबोधन दिया था, जिसको करीब 500 लोगों ने देखा था जूम व फेसबुक लाइव मिला करके। अगले दिन यानी दिनांक 17 तारीख को 2 बजे योग महात्म्य प्रबोधन के ऊपर मुख्य वक्ता जी डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, जो आज हमारे संचालक भी हैं, बड़ा ही ओजस्वी प्रबोधन हुआ था, जिसको करीब 600 लोगों ने देखा था। 18 तारीख को हमारे अखिल भारतीय योग प्रमुख, आरोग्य भारती के योग प्रमुख डॉक्टर TN मंजुनाथ ने विस्तृत एक प्रबोधन रखा था, करीब 1.5 घंटे का प्रबोधन था, और जबरदस्त उन्होंने इसमें योग के 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी बातें हो सकती, बड़ी सरल
भाषा में उन्होंने बताई थी, इसमें करीब 1000 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था। तत्पश्चात 19 तारीख को मन एवं शरीर संतुलन के लिए योग प्रबोधन के बारे में मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश पंडित जी थे, जो कि हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उन पर करीब 600 लोगों ने डिजिटल मीडिया में देखा। और 20 तारीख यानी कल एक विशेष योग कार्यशाला व प्रबोधन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता श्री भामिनीकांत मिश्र जी थे और परम आदरणीय श्री रमेश गौतम जी, डॉक्टर रमेश गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं आरोग्य भारती के, वो विशिष्ट अतिथि थे। उनका भी ओजस्वी भाषण और हम लोग को सुनने को मिला। इस कार्यक्रम को करीब 900 लोगों ने नेट पर देखा था। इसके अलावा कल ही डॉक्टर रमाशंकर मिश्र जी, जो बहुत ही वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज से, उन्होंने भी फेसबुक लाइव पर अपना व्याख्यान दिया था। आज यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के समापन समारोह कह लीजिए या अंतिम कार्यक्रम के रूप में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन सवेरे 7 बजे से काशी प्रांत के विभिन्न जिलों में और इकाइयों में सहस्राधिक लोगों ने अपने स्तर पर योग कार्यशालाओं का आयोजन किया, घर पर भी किए, परिवार के साथ किए। सवेरे 7 बजे हमारे बनारस में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भामिनीकांत मिश्र जी ने विस्तृत रूप से योग शिविर गठित किया था, डॉक्टर मीनाक्षी जी और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के आयोजन में, जिसमें करीब 20 लोगों को उन्होंने योग प्रशिक्षित किया और जूम पर 50 लोग जुड़े थे और 300 लोगों ने अभी तक इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव और यूट्यूब में जो कि डाउनलोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, अभी तक देख चुके हैं। अभी कुछ देर पहले अभी संपन्न हुआ, करीब 1 बजे से शुरू हुआ था, 2 बजे खत्म हुआ। जौनपुर इकाई एक और योग प्रबोधन का आयोजन किया था डॉक्टर लवकुश निगम के मार्फत। और अब हम लोग एकत्रित हुए हैं आज के फाइनल प्रोग्राम में, जो कि ऑनलाइन योग शिविर है। और हमारे आज के वक्ता होंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे जी, जो कि बीएचयू से हैं, और योगाचार्य भामिनीकांत मिश्र जी। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूं कि इधर काफी दिनों से हम लोग कई सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज किए हैं, अब मैं सबको गिनाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि अंदाजन करीब 16 वेबिनार हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बड़े वेबिनार, राष्ट्रीय कार्यशालाएं और वेबिनार ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें इम्यूनिटी और बाल रोग के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, हृदय रोग पर, महिलाओं के समस्याओं के ऊपर, वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे पर भी बहुत बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ था और हम लोग देहात में जाकर बस्तियों में हम लोग सैनिटरी पैड और मास्क का वितरण भी किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवी हैं, वो लोग प्रवासी मजदूरों को के मदद के लिए वो जगह जगह तैनात थे बनारस में, उन शिविरों में जाकर हम लोगों ने 100 स्वयंसेवकों को और उनके परिवारों को आर्सेनिक L30 इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु वितरण किया था, ताकि वो भी उन लोगों से बचाव हो उनका, श्रमिकों से। इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, जिसमें करीब 200 बुड़ूची के पौधे हम लोगों ने हमारे प्रांत में बांटे। डॉक्टर सुनील मिश्र जी जो हमारे सचिव है, और मैं खुद जाकर 34 PSC बटालियन प्रमुख IPS ऑफिसर जो वहां पर तैनात थे SPCT रैंक के, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रबोधन दिया, जिसको करीब 300 जवानों ने सुना और साथ में मिलकर हम लोग के साथ हम लोग पौधारोपण भी किए। इस तरह बनारस के कई जगह पौधारोपण के कार्यक्रम हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग समाज में जाकर कुछ कोरोना काल में भी जाकर उनके बीच में हम लोग कार्य करने का प्रयास किए हैं, लेकिन कोरोना के समय चूंकि हम लोग को घर बैठना पड़ा, तो इस नेगेटिव या नकारात्मक पहलू को हम लोग ने सकारात्मकता में बदलते हुए कई सारे लोगों के बीच में जाकर हम लोग ने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। योग के कार्यक्रम भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस एक छोटा सा मैंने वृत्त दे दिया ताकि यहाँ पर जो नए सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं उनको कुछ आइडिया लगे कि हम लोग क्या क्या फिलहाल कार्य कर चुके हैं। विस्तृत वृत्तांत
तो हम लोग भेज चुके हैं, अश्विनी को मालूम ही है। अब इसी इन्हीं बातों से अब हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए सबका धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव पे भी पर भी सजीव प्रसारित हो रहा है। वहाँ फेसबुक लाइव के सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अवनीश पांडे जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी को मैं अभी ये माइक वापस दे रहा हूँ आगे के कार्यक्रम संचालित करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जीपी अवस्थी सर, अगर आपको मेरी आवाज, हाँ धन्यवाद, धन्यवाद अवनी जी। 3 बजे से भाई साहब का एक और कार्यक्रम है, जहाँ तक हमने फेसबुक पे देखा था, एक फ्लायर मैंने देखा था भाई साहब। ठीक 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 जी। अभी हमारे काशी प्रांत आरोग्य भारत की काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील वसु जी ने एक संक्षिप्त परिचय दिया। निश्चित रूप से विधिवत परिचय देते तो उनको बहुत समय चाहिए था, और उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने सारे वृत्त को रखा। इस सारे कार्यक्रमों के प्रेरक जो हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई, ये लहर कहाँ से आई, ये रिदम कहाँ से आया कि काशी प्रांत में इस वक्त जागरूकता बढ़ी है और आरोग्य भारती बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और पूरे काशी प्रांत के लोग से जुड़ रहे हैं। तो उसके पीछे एक ऊर्जा का स्रोत है, नाम है हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी। उनकी प्रेरणा से ही हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर पाए, और निश्चित रूप से मिर्जापुर के लिए, काशी प्रांत के लिए, हमारे इंद्रनील वसु जी के लिए, काशी प्रांत की उपलब्धि के लिए तो नेतृत्व जाता है हमारे इंद्रनील वसु जी का। और मुझे खुशी है कि काशी प्रांत के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार किए, और उसमें हमारे अशोक भाई जी का प्रेरणा रहा, उनके ऊर्जा से ही हम लोग ऊर्जावान हुए, और निरंतर ये गति आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं सीधे अपने आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय अशोक जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज विश्व योग दिवस का 6वां दिवस है, और इस दिवस पर जैसा कि डॉक्टर इंद्रनील वसु ने बताया कि निरंतर ये 8वां दिन है योग के कार्यक्रमों का, और आज तो उसका पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं। तो अशोक जी से आग्रह है कि मेरा मार्गदर्शन करें हमारे श्रोताओं का, दर्शकों का, कि हम आगे क्या करें और योग के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उस पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अशोक वार्ष्णेय जी। कार्यक्रम में उपस्थित आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत गर्वा श्रीमान सोहन लाल जी श्रीमाली जी, हमारे विंध्याचल विभाग के संयोजक डॉक्टर गणेश जी अवस्थी, हमारे विपुल जी भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, प्रोफेसर सी एस पांडे जी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, भामनीकांत जी, उनका वीडियो अभी ऑफ है इसलिए देख नहीं सकता हूं मैं, हमारे विपुल नारायण जी, और उड़ीसा से संबलपुर से जिन्होंने लॉग इन किया है, कार्तिकेश्वर प्रधान जी हमारे प्रांत सचिव हैं पश्चिम उड़ीसा के, अवनीश पांडे जी जो संचालन कर रहे हैं, और अभी मीनाक्षी जी दिखाई पड़ रही थी, अभी दिखाई नहीं पड़ रही मुझे, ऐसे सभी जुड़े हुए बंधु भगनीगण सादर नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि अपना ये जो योग का कार्यक्रम है यह केवल हम ही करते ऐसा नहीं है, जैसा उसका नाम है जोड़ना
तो केवल व्यक्ति की के शरीर मन बुद्धि आत्मा को ही नहीं जोड़ रहा है, वह समाज के अनेकों लोगों को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में विश्व के लगभग सभी देशों में, ऐसा मैं कह सकता हूं, कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान करें, आज से लगभग एक 25-30 वर्ष पहले योग तो था, उस समय योगाचरण की बुद्धि में था, टीवी पर भी अलग प्रकार के कार्यक्रम आते थे, आश्रम भी थे, अभ्यास भी करते थे, प्रशिक्षण भी होता था, सब काम होता था। लेकिन जब से जी ने टीवी पर उसका ठीक तरह से प्रचार और प्रसार शुरू किया और सरल पद्धति से लोगों के सामने विषय को रखा, उसको स्वास्थ्य के साथ सीधे जोड़ा, रोगों के साथ जोड़ा, तो उसका पॉपुलराइजेशन जिसको कहते हैं बहुत अधिक प्रसिद्धि हो गई। समाज का सामान्य व्यक्ति योग करते समय सोचने लगा कि ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से हम बड़े बड़े रोगों से ठीक हो सकते हैं। और इसलिए क्या बीमार और क्या स्वस्थ, क्या महिला क्या पुरुष, क्या नगरीय क्या ग्रामीण, सभी प्रकार के व्यक्तियों ने योग करना शुरू किया। और अभी तो गर्मी है, हर वर्ष हम देखते होंगे जैसे जैसे गर्मी आती है वर्षा ऋतु तक सड़क पर टहलने वाले, योगासन पार्कों में करने वाले इतने समूह रहते हैं, जब कभी शाखा जाइए तो हमारी शाखा की संख्या ही कम दिखाई पड़ती है और बाकी लोग ही ज्यादा दिखाई पड़ते। और इतना ही नहीं कि हम ही ऐसा करते हैं, आरोग्य भारती लगभग एक वर्ष छोड़कर नासिक में योग विद्या धाम गुरुकुल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करती है। मुख्य आयोजक तो वही होते हैं, आरोग्य भारती उसकी को ऑर्गेनाइजर होती है। अभी तक 3 ऐसे फेस्टिवल हो चुके हैं। हम सबको जानकर के प्रसन्नता होगी कि देश के बाहर भी आरोग्य भारती के नाम से भी है, योग विद्या धाम गुरुकुल के नाम से भी है, अनेकों तंत्रों के माध्यम से योग के बारे में रुचि बढ़ी और जगह जगह स्टूडियो खोल करके लोग बहुत सारे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य अपना भी स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, समाज का स्वास्थ्य भी ठीक। और इसलिए यह धीमे धीमे बढ़ रहा है और बढ़ेगा और अधिक आवश्यकता भी है। क्यों आवश्यकता, मैं अंत में बोलने वाला हूं। दूसरा पहलू ध्यान में आता है कि अभी जो करते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत बीमार हो गए, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया और कुछ हो गया, जिनको हम एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, वे लोग अधिक करते दिखाई पड़ते हैं। जो स्वस्थ है उनको भी करना चाहिए, ऐसे लोग कम दिखाई पड़ते। तो आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति ये काम करे। लेकिन और एक पहलू है कि इस समय पर अभी योग के बहुत सारे प्रकार भी सामने आ रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव सरल सरल योगासन करते हैं, पदक्रियाएं सिखाते हैं, तो समाज का हर व्यक्ति करता है, जन सामान्य के लिए करता है। वहीं बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, वो साधना युक्त योग साधना कैसे करना उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते, वे चर्चा के साथ साथ उसके साधना भी कराते, सिखाते। एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान पर रिसर्च बेस्ड काम कर रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो। एक एक चीज, एक मंत्र के बारे में, ओंकार के बारे में, एक एक आसन के बारे में रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर कैसे वो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में सत्य सिद्ध होता है, इसका प्रयास कर रहे हैं और रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। रोगों के बारे में भी,
माने बी के एस अयंगार जी वे रोग आधारित योग कराते कि किस रोग में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इतने ही नहीं तो इतने प्रकार के योग हो गए हैं देश के बाहर, वो अलग अलग प्रकार के, कोई पावर योग करता है, कोई हॉट योग करता है योग टाइप। लेकिन एक पहलू ध्यान में करने के लिए है, कुछ लोग उसको करते हैं, कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, योग मानसिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी। और इसलिए इस पहलू को ध्यान में लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और एक पहलू ध्यान में आता है कि आज की आवश्यकता क्या है, तो इसको ध्यान में लेंगे तो आज 70% रोग यह जीवन शैली से जुड़े हैं, 60% रोग तनाव के कारण से हैं, और जिनके कारण से भारत का हेल्थ इंडेक्स बहुत नीचे जाता है। अगर ये हमको भारत के हेल्थ इंडेक्स को आगे बढ़ाना है तो हमको स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा कि हम कैसे स्वयं हमारे जीवन में आना चाहिए, केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, योगमय जीवन, योगा ए वे ऑफ लाइफ। हमारा सोचना, हमारा व्यवस्थित तंत्र, हमारा पेशेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा विजन, हमारी लिसनिंग पावर, हमारी एनालिटिकल पावर, ये सारी चीजें हर व्यक्ति को ए वे ऑफ लाइफ के साथ जुड़ती है। और जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है वैसे वैसे उनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और एक आवश्यकता अनुभव होती है कि जो जो जिस फील्ड में है उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ना पड़ता है। जो पॉपुलराइजेशन में चल रहा है उसको पॉपुलराइजेशन में आगे बढ़ना ही चाहिए, जो रिसर्च में है उसकी भी आवश्यकता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड को ये सिखाने के लिए कि हम उनके टर्मिनोलॉजी में भी हमारे द्वारा संस्कार देने वाले ऐसे बहुत सारे विषय हम सिखाते हैं दूसरे को, तो दूसरे प्रकार है, बारीकियां ध्यान में आती है। आज जिन लोगों ने कराया होगा उनको भी ध्यान में होगा कि स्वयं करना एक प्रकार है, लेकिन जब कमेंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कमेंट्री में हम जिस कल्पना के आधार पर शब्द बोलते हैं, कई बार श्रोता या करने वाले व्यक्ति उस तरह से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो हमारे शब्द के आधार पर चलते हैं, फिर हमको शब्द बदलना पड़ता है, उचित शब्द ढूंढना पड़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम दूसरे को सिखाते समय अधिक सीखते हैं। आज इसकी आवश्यकता, तो जैसे पॉपुलराइजेशन चाहिए वैसे रिसर्च भी चाहिए, वैसे ट्रेनिंग मेथडोलॉजी चाहिए। इन सबकी जितनी जितनी गति बढ़ती जाएगी हम देखेंगे कि व्यक्तियों का जीवन जहां योगाभ्यासी है वहां योगमय होने लगेगा। फिर केवल आसन प्राणायाम ध्यान धारणा तक नहीं होगा, तो वहां पर आहार विहार की भी बात आएगी, वहां पर ध्यान की भी बात आएगी, मौन की भी बात आएगी, जप की भी बात आएगी, ये सारी चीजें हमारे योगमय जीवन। इतना ही नहीं, राजयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, गीता में योग के आधार भरे पड़े, फिर लोगों की जानना शुरू करें। हमारे प्रारंभ करते ही हमारे लिए दूसरी विंडोज खुलती चली जाती हैं। परिणाम हम देखेंगे कि केवल हम ही स्वस्थ नहीं होते, हमारा परिवार भी स्वस्थ होता जाता है, अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार लोग जुड़ते चले जाते हैं, और केवल जुड़ते नहीं तो जुड़ने के साथ साथ समाज में भी एक अच्छा वायुमंडल बनता जाता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होते जाएंगे तो फिर हमको जीवन शैली जनित रोग NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इनकी संख्या में कमी आएगी, और स्वाभाविक रूप से हमारा हेल्थ इंडेक्स बढ़ता जाएगा। आज उस हेल्थ इंडेक्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम कैसे उस दिशा में बढ़ सकते हैं, सोचें, विचार करें, रेगुलरिटी में लाएं, स्वभाव बनाएं, तो हम देखेंगे कि अपने से प्रारंभ करके अपने स्वभाव तक ले आएंगे तो अवश्य ही हम पूरे देश के हेल्थ इंडेक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस दिशा में हम सब आगे बढ़े, इस 6वें विश्व योग दिवस पर जितने भी लोग जुड़े हैं या जो सुन रहे हैं,
सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के प्रति आभारी हैं, उन्होंने योग के व्यापक प्रभाव और प्रसार पर विधिवत प्रकाश डाला और पूरे विश्व में योग कैसे फल फूल रहा है इस पर भी उन्होंने सारे उपांग पर उन्होंने प्रकाश डाला और उसे जानकारी मिली कि पूरा विश्व जागरूक हुआ है, योग के प्रति उन्मुख हुआ है। अब मैं सीधे अपने जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक माननीय सोहनलाल जी, इनका सहयोग संगठन के दृष्टिकोण से हमको हमेशा मिलता रहा है। जब जब भी संगठन के सामने बड़े कार्यक्रम आए इनका सहयोग हमेशा मुझे मिला है और बड़े बड़े कार्यक्रमों को कराने का इनके सहयोग से मुझे अवसर मिला है। और मैं सीधे अब सोहनलाल जी से आग्रह करूंगा कि उनके विचार आए और परम वैभव के स्तर पर यह भारत माता कैसे स्थापित हो उसमें हम लोगों की भूमिका, श्रोताओं की भूमिका जो जुटे हैं उनके अंदर भी कुछ प्रेरणा उत्पन्न हो। तो सोहनलाल जी श्रीमान। सोहनलाल जी का माइक अनम्यूट है। अवनी जी अनम्यूट है। अवनी जी हाँ कर रहे हैं मैंने किया था फिर म्यूट हो गया। अच्छा ठीक भाई साहब। कोई बात नहीं। जी भाई साहब। हेलो। जी भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। आवाज नहीं वाली आ रही। आ रही है। आवाज आ रही है सोहन जी। आ रही। आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही माननीय सोहन जी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। सर आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि बोले उनकी आवाज आ रही है। अवस्थी सर मोबाइल को फटो ना। हाँ जी जी तरफ करता हूँ। उनसे फोन पे बोलिए कि आवाज आ रही है वो बोल रहे हैं। हाँ आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है आप बोले। हाँ जी बोलिए बोलिए बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है। सर जी अब तो एक सेकंड म्यूट हो गए हैं। अच्छा तो वही तो नहीं अभी हो गया फिर चल कर अनम्यूट करिए भाई साहब। हाँ अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। वहां लगता है छू दिया होगा माइक के पास। आप अनम्यूट करिए और माइक ऑन कर दीजिए बोलिए। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करिए। भाई साहब हम हाँ जी जी आवाज आ रही है। अध्यक्ष आरोग्य भारती काशी प्रांत डॉक्टर गणेश अवस्थी जी, विभाग प्रमुख विंध्याचल मंडल डॉक्टर अवनीश पांडे जी को लेकर के समाज जागरण में लगी हुई है। आज तो डॉक्टर लोग भी इलाज की दवा देने के बाद पूछते हैं कि आप योगा करते हैं। नहीं उत्तर मिलने पर एक दो योग प्राणायाम की सलाह दे देते हैं। आरोग्य भारती अपने स्थापना काल से ही समाज को स्वस्थ रखने के लिए देश भर में स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य प्रबोधन के माध्यम से 14 आयामों पर काम को विस्तार दे रहा है।
देश भर के कई सम्मानित डॉक्टर्स, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सम्मानित बंधु इस संगठन में लगे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में योग प्राणायाम देश के पॉजिटिव मरीजों में मृत्यु दर को कम किया। योग से शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके देशवासियों की रक्षा करता है। देश स्वस्थ रहे, देश के जन जन स्वस्थ रहे, इस महान कार्य में लगे हुए काशी प्रांत के असंख्य सम्मानित कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन। इस सेमिनार के आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, धनवंतरी महाराज की जय, सबको नमस्कार। डॉक्टर अवस्थी सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज चालू करो, आवाज हेलो। हाँ अश्विनी जी, अश्विनी जी, अवस्थी सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। धन्यवाद अवनी जी। सर अवस्थी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ, धन्यवाद। अपने आप को म्यूट मत करिएगा अब आप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अपने आप को म्यूट मत करिएगा। ठीक है धन्यवाद। आप भी और इंद्रनील बसु सर, आप दोनों लोग अपने आप को म्यूट मत करिए। हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, सभी से धन्यवाद। अभी हमारे आवाज माननीय सोहन लाल जी श्री माली, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह प्रांत का विवाह है काशी प्रांत के, अपने उद्बोधन में उन्होंने योग पर विधिवत प्रकाश डाला। अभी हमारे अशोक भाई भी योग पर विधिवत प्रकाश डाले हैं और उस सूत्र में बहुत कुछ कह गए। योग की व्याख्या तो हम अपने पारी में करेंगे विधि विधान से, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट अवश्य देंगे। अभी वो गंगाधर जी का, डॉक्टर गंगाधर, बी एन गंगाधर का नाम दिया, तो डॉक्टर बी एन गंगाधर उस व्यक्ति का नाम है जो देश के सबसे बड़े मानसिक संस्थान के डायरेक्टर है, और उनके शोध का विषय यही था कि क्या सिज़ोफ्रेनिया, पागलपन में भी योग काम कर सकता है। तो उन्होंने अपने शोध से यह सिद्ध किया कि जितनी औषधियां काम करती हैं उसी के टक्कर का केवल योगासन करा करके उस उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा शोध उनका, तो मैसूर में भेंट हुई थी राष्ट्रीय आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि हम आपको एक बार बड़े संगोष्ठी में आमंत्रित करेंगे, लॉकडाउन के वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने वादा के अनुसार हमारे राष्ट्रीय वेबिनार में आए थे, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रबोधन किया था और ये सिद्ध किया था कि योग के माध्यम से हम सामान्य बीमारियों तक ही नहीं, उस असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं जिसके बारे में अभी लोग सोचने के लिए तैयार नहीं होंगे, अर्थात योग में शून्य से अनंत तक की सारी संभावना है, यह हमारे गंगाधर जी ने सिद्ध किया। मैं अब सीधे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिद्धांत दर्शन विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सी एस पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वे योग के पहले और योग के बाद, योग करने से क्या होता है, योग करने से पहले, योग करने के पश्चात, अर्थात योग के परापर विषय पर वो प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सी एस पांडे जी। सर अपने आपको अनम्यूट करिएगा सर, दोबारा अनम्यूट करिएगा जी। चलेगा कि अलग से बोलना पड़ेगा? जी ठीक है सर, ठीक है।
नहीं वो वीडियो चलेगा? वीडियो चलाना कि नहीं सर, अगर आपको बोलना तो ऐसे बोलिए। चला दीजिए, चला देने से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं नहीं सर, फिर डिस्टर्ब होगा, हाँ सर आप ऐसे नहीं, चलाने से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जगह से रहेगा। नहीं नहीं सर, आप ऐसे ही बोलिए, वो दिक्कत कर रहा है, मैंने ट्राई किया वो सही नहीं आ रहा है वो, आप ऐसे ही बोलिए अपने व्याख्यान। वीडियो बोलना परम आदरणीय, परम आदरणीय अशोक बार्षणे जी, राष्ट्रीय संयोजक आरोग्य भारती, माननीय सोहनलाल श्रीमाली जी, सह प्रांत कार्यवाह काशी कांत, योग गुरु आमिनी कांत जी, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, डॉक्टर अवस्थी जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी तथा डॉक्टर अवनीश जी, आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। योग भारती मनीषा का विश्व मानवता को एक अप्रतिम योगदान है। योग का अर्थ है जुड़ना, प्रश्न है किससे जुड़ना, कहां जुड़ना, कब जुड़ना, कब तक जुड़ना। मनुष्य सृष्टि का एक सर्वोत्कृष्ट प्राणी कहा जाता है और उसमें चिंतन की विधा आती है। जैसे ही चिंतन की विधा आती है अपने साथ अनेक प्रश्नों को जोड़ लेता है, और यह किससे जुड़ना, कहां जुड़ना, कब जुड़ना, कब तक जुड़ना आदि प्रश्नों ने योग के विविध आयात्मक परिभाषाओं को जन्म दिया। योग की जो विविध आयात्मक परिभाषाएं बनी, उनके विविध आयाम बने, उन परिभाषाओं के बनाने में इन प्रश्नों का योगदान रहा। और ये परिभाषाएं जीवन के सामान्य क्रियाकलापों से लेकर के उच्चतम मन स्थिति एवं सर्वोच्च सायुज्य की प्राप्ति तक की विधा को व्याख्यायित करती है। जीवन के दो उद्देश्य कहा गया हमारे यहां, पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और चारों को प्राप्त करने की विधा है आरोग्य, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगस्तस्यापहर्तार, रोग उसको हरण करने वाला है। यानी अगर हमारे पास रोग है तो न हम धर्म का पालन कर सकते हैं, न अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं, न अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, न मोक्ष के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और इस प्रयत्न में हमारे लिए उपयोगी क्या होता है, हमको स्वस्थ रहना। स्वास्थ्य को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक को कहा जाता है कि आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और एक को तात्कालिक दुखों की निवृत्ति। ये दोनों ही कार्य चिकित्सा और योग के द्वारा संपन्न होते हैं। और मानव जीवन में दो प्रमुख ध्येय हैं, जब से मनुष्य पैदा हुआ, जब से उसमें चिंतन की वृत्ति आई, पहले चिंतन की वृत्ति आई सृष्टि के रहस्य को जानना, हम कौन हैं, कहां हैं, कैसे पैदा हुए, कहां से आए, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, मरने के बाद कहां जाते हैं, कई कई लाख प्रकाश वर्ष दूर के ब्रह्मांड को देखते हुए और एक अणु से भी छोटे अणु के भीतर के विभाजन को देखते हुए भी हम लोगों ने सृष्टि के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया कि इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं है, महतो महियान अणोरणीयान, कितने बड़े से कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा है, जिसको जितने छोटे की कल्पना कर सकते हैं उससे भी छोटा है, यह विराट ब्रह्मांड है। तो है यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हम कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्या इसका मूल है, ऐसे विषयों का चिंतन वेदों से लेकर के प्रारंभ हुआ। कस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भ समुवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकमाशीत, कस्मै देवाय, किस देवता को हवि अर्पित करूं, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। और कह कंटकानां प्रकरोति तैक्षणम चित्रम विचित्रम ऋगपक्षिणानां माधुर्यमिच्छौ कटुकम मरीचे, कौन कांटों में तीक्ष्णता देता है, कौन पशु पक्षियों में रंग भरता है, यानी कार्य कारणता, यह कार्य हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। और तीसरी चीज है कि उसके पीछे के भाव को जानना कि किस कारण से ये चीजें होती हैं सृष्टि में। और दूसरा जो
मनुष्य के चिंतन की दिशा रही, वो सुखों और दुखों के बारे में रही। और इन समस्त चीजों, सुख दुख और सृष्टि के रहस्य को जानने की जो विधा थी उसका नाम दिया गया दर्शन। दृश्यते अनेनेति दर्शन है। दृश्य शब्द बड़ा विचित्र शब्द है, लुट प्रत्यय लगता है इसमें दर्शन बनाने में। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सी, देखने के सेंस में। जैसे अंग्रेजी में इसकी मीनिंग होती है कि ओ आई सी मीन्स आई अंडरस्टूड, इसी तरह से ओ आई डोंट नो व्हाट इज मैटर। वहां तो लोग झगड़ते हैं, सर आई डोंट, लेट मी सी मीन्स लेट मी एक्नॉलेज, लेट मी ऑब्जर्व, लेट मी इंस्पेक्ट, लेट मी परसीव। तो ये परसिवेंस का जो सेंस है और जो ऑब्जर्वेशन का सेंस है और एक्नॉलेज करने का सेंस है, यह सभी इस सी के भीतर अंग्रेजी के आता है। इसलिए ऋषियों को भी सीयर्स कहा गया। और इसीलिए हमारे यहां जो दर्शन है उनके लिए दृष्टा शब्द आया, दृश्यते अनेनेति दर्शन है। दर्शन का भी काम ये सारे कार्य करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो दर्शन साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो भी घटनाएं सृष्टि में घटित हो रही है उसको सिस्टमिक रूप से ऑब्जर्व करना, और दूसरा कार्य दर्शनों का रहा उनको सिस्टमिक रूप से क्लासिफाई करना, उनको सिस्टमिक रूप से व्यवस्थित करना, किसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे अध्ययन किया जा सकता है। परिकल्पना करें कि सृष्टि का सर्वप्रथम जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, वो क्या रहा होगा? उत्पत्ति स्थिति संहार। कोई चीज पैदा होती है कुछ समय तक बनी रहती है, नष्ट हो जाती है। कोई चीज पैदा होती है उस समय तक बनी रहेगी, नष्ट हो जाएगी। उत्पन्न हुई, स्थित बन, संहार। दिन निकला, दिन बना रहा, नष्ट हो गया। रात आई, रात बनी रही, रात नष्ट हो गई। बरसात आई, बरसात रही, बरसात गई। ये सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है। और तीसरी चीज इनके पीछे की कारणता, उत्पत्ति क्यों होती है, का इसकी कारणता है, कुछ भी कर लो, ब्रह्मा कर लो। स्थिति बनी हुई है, इसकी कारणता है, कुछ भी कर लो, उसको विष्णु कह लो। नष्ट हो रहा है, कारणता क्या है, ये है। तो कार्य कारण की कारणता जानने के लिए जो व्यवस्था दी गई उसको कहा गया कि उत्पत्ति स्थिति और संहार। ये कार्य कारणता हमारे यहां गीता में भी इसको सत कार्यवाद के रूप में कहा गया कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। वेदों से लेकर के गीता तक में कार्य कारणता खोजी गई। और हमारे यहां इसके पूरे ग्रुप बनाए गए। आयुर्वेद में तो पूरा एक ग्रुप बना दिया गया कि स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम ऋतुदर्शन है। इतने सारे कारणता है, स्वभाव है, ईश्वर है, काल है, नियति है। और इस प्रकार हमारे दर्शनों की जो मूल दिशा रही वो अपने उत्पत्ति स्थिति संहार को जानने के लिए, इस विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति संहार को जानने के लिए, और सुखों और दुखों की उत्पत्ति स्थिति संहार को जानने के लिए कि सुख क्या है, सुख बना कैसे रहता है, सुख नष्ट कैसे न हो, दुख क्या है, दुख बना कैसे रहता है, दुख नष्ट कैसे हो जाता है। इस प्रकार इनकी कारणता को जानने के लिए इन दर्शनों की बात की गई। और इन दर्शनों में प्रारंभ यहीं से हुआ। हमारे यहां सबसे सेलिब्रेटेड दर्शन सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन में मूल सांख्य दर्शन तो मिलता नहीं, सांख्य कारिका को लीजिए तो सांख्य कहता है कि दुखत्रयाभिघात जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। तीन प्रकार के दुख हैं। सबसे रिसेंट दर्शन लीजिए बौद्ध दर्शन, तो भी शुरुआत करता है चतुरारी सत्य से, जहां हमारे संसार दुखमय है, यानी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो? योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदनानां अवर्धनम्। योग और मोक्ष में समस्त वेदनाओं का नाश होता है, उसके बाद फिर से वो पुनः प्राप्त नहीं होती। इसलिए योग दर्शन हमारे संसार के वेदनाओं को दूर करने के लिए, हमारे पारमार्थिक कार्यों की सत्ता सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में योग और सांख्य, चरक संहिता में दो ही दर्शन ऐसे हैं जिनका नाम तक उल्लेख है। वैशेषिक की, न्याय की, मीमांसा की, वेदांत की सामग्री तो है, वैशेषिक और न्याय की तो प्रचुर सामग्री है, लेकिन नाम तो उनका उल्लेख नहीं है। और एक बड़ी विचित्र चीज, सांख्य दर्शन उसमें सबसे सेलिब्रेटेड दर्शन था। भगवान कृष्ण ने कहा कि सांख्य मुख्य दर्शन। महाभारत में कहा गया कि विश्व जितना ज्ञान आया हुआ है वो सांख्य के द्वारा आया हुआ समझना चाहिए।
चरक संहिता में सांख्य संख्यात संख्य सहासीनम पूर्वसु चरक सूत्र राशि कट्टा जो ऐसा है सांख्य राध्य प्रकृतता चरक सूत्र 25 यथा आदित्य प्रकाशकस तथा सांख्य ज्ञान प्रकाशक मिति चरक विमान में कहा कि जैसे सूर्य ज्ञानों को प्रकाशित करता है वैसे ही सांख्य सूर्य लोक को प्रकाशित करता है वैसे ही सांख्य ज्ञान को प्रकाशित करता है। शरीर में कहा संख्यात धर्म संख्याश्य मुक्त मोक्षस्य चायनम और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने इतना सारा कलेक्शन किया कि स्वर स्वभाव सर्व स्वभाव विज्ञो यया भूत निष्प्रिय है योगम यया साधयति सांख्यम संपद्यते तया सांख्य उसका संपादन जिसका करता है योगम यया साधयति योग इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द एक्सपाउंडेड फिलॉसफी ऑफ द सांख्य और इसीलिए कहा गया कि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता सांख्य योग को जो लोग अलग अलग बताते हैं वो विद्वान नहीं है। सांख्य और योग को अलग नहीं बताया जा सकता सांख्य और योग दोनों एक ही प्रकार के हैं। इस प्रकार सांख्य और योग के सांख्य द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग के द्वारा एक कार्य स्वरूप बन करके चला। दर्शनों में दो तरह का योग का स्वरूप है एक तो योग का वह स्वरूप है जो सांख्य दर्शन से मेल खाता है और जो उसका दर्शनात्मक स्वरूप है जिसमें सृष्टि के रहस्य सुखों दुखों के रहस्य इनको दूर करने का उपाय है और दूसरा जो योग का स्वरूप है वह क्रियात्मक स्वरूप है और वह क्रियात्मक स्वरूप इतने छोटे से शुरू करके इतने बड़े की तरफ आपको अटैच कर देता है कि उस कालक्रम में आप सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि हम कब एक शारीरिक योग से मैंने शुरू किया और कब हम आध्यात्मिक योग और वेदनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति के स्तर मोक्ष तक पहुंच गए। योग की अनेक परिभाषाएं दी गए हैं और योग की अनेक परिभाषाओं में यदेव योगा पश्यन्ति सांख्यस् तदानुगम्यते एक सांख्यम च योगम च पश्यन्ति स बुद्धिमान यदेव शास्त्रम सांख्योक्तम योग दर्शन में उतर महाभारत शांति पर्व के रेफरेंसेस हैं जिसमें योग और सांख्य को योग माना गया है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एक मप्या स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्यते जो सांख्य के द्वारा स्थान प्राप्त किया जा सकता है वही योग के द्वारा भी है एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति जो इन दोनों को एक तरह से देखता है। और योग की जितनी भी परिभाषाएं हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध है यहां से लेकर के युजिर योगे और युजिर समाधव मैं इन परिभाषाओं के मूल में नहीं जा रहा हूं चित्तवृत्ति के निरोध की भी बात नहीं कर रहा हूं। महर्षि चरक ने इतनी छोटी सी बात बताई कि योग क्या है उन्होंने कहा कि आत्म इंद्रिय मनोरथा नाम सन्निकर सात प्रवर्तते सुख दुख मनानम आत्मस्थे मनसि स्थिरे आत्मस्थे मनसि स्थिरे मन हमारा इंद्रियों से जुड़ता है आत्म इंद्रिय मनोरथा नाम आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनका अलाइनमेंट होता है तो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान बाहरी ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन यही मन जब इंद्रियों से हट करके मन की तरफ आत्मस्थ हो जाता है तब योग हो जाता है। इसीलिए गुरु गोरखनाथ ने कहा कि नौलख पातुर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा और सबसे बड़ी बात कि यह योग की प्रशंसा महर्षि चरक ने उस समय की जबकि योग के बारे में और उसका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है जैसे षड्चक्र विवेचन है ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं। योग की सिद्धियां भी महर्षि चरक ने अलग तरीके से लिखा उन्होंने परिभाषा भी बदली योग चित्तवृत्ति निरोध नहीं लिखा और योग की सिद्धियां भी अणिमा गरिमा महिमा लघिमा इत्यादि से हट करके आवेश करके उन्होंने परिभाषाएं दी। तो योग का जो दार्शनिक स्वरूप है वो सांख्य दर्शन से या सांख्य दर्शन का स्वरूप दोनों मिले जुले हैं दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं और यह सृष्टि के रहस्य को जानने को उद्घाटित करने को और वेदनाओं से आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं लेकिन यह मार्ग बड़े धीरे धीरे चलता है। अनेक परिभाषाएं दी गई जो सबसे अच्छी परिभाषा हम लोगों के लिए जन सामान्य के लिए होती है युक्त विहारा विहाराभ्याम युक्त चेष्टा सुकर्मसु युक्त निद्रा अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम यहीं से शुरू करें हमारा आहार युक्त हो हमारा विहार युक्त हो हमारी चेष्टाएं युक्त हो हमारे
कर्म युक्त हूं। यहां युक्त को मैं उपयुक्त शब्द करता हूं, आदिपद लोप मान लेता हूं। उपयुक्त मीन्स एप्रोप्रिएट, सुटेबल, डिजायरेबल, परफेक्ट। हमारा निद्रा यानी रेस्ट और अवबोध, अगर इसका हम सम्यक संयोजन कर लेते हैं तो इसका योग योगो भवति दुखा, ये हमारे समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाला होता है, शारीरिक मानसिक समस्त प्रकार के दुखों को। दूसरी है कि अगर हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कुशलता होनी चाहिए। और तीसरी है समत्वम योग मुच्यते, योग में समत्व होना चाहिए। हम आजकल योग के नाम पर जितनी भी बातें होती हैं, सामान्य रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीन चीजें आती हैं, लेकिन इसके पूर्व में क्या होना चाहिए, इन चीजों की चर्चा नहीं होती है। और यही कारण है कि योग के इतने सारे सेंटर्स खुलने के बावजूद भी न स्वास्थ्य की दृष्टि में वांछित प्रगति हो पा रही है और न सामाजिक विज्ञान की दृष्टि में प्रगति हो पा रही है। आज हमारी स्थिति यह है कि लगभग 80% से अधिक हमारे स्वास्थ्य बजट का खर्च जो है वो हमारी एक्वायर्ड डिजीजेस के ऊपर है, ऐसी बीमारियों के ऊपर है जिनको हम अपने आचार व्यवहार, आहार विहार, अपनी दिनचर्या से खरीद ले आते हैं, कमा ले आते हैं कि बीमारियां जी आप हमारे घर आइए और सुखपूर्वक रहिए, जिनको हम लाइफ स्टाइल मीडिएटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस है। और ट्रामा सेंटर इत्यादि के 95% इनपुट जो है, 95% इनपुट जो है वो हमारे अहंकार की देन है, हमारे असद विचारों की देन है। अपने अहंकार में हम आपसे लड़ गए, आप हमसे लड़ गए, या अपने लोभ में मैंने आपकी जमीन कब्जा किया, आपसे लड़ाई हो गई, या ऐसे ही जितने प्रकार के असम्यक असामाजिक क्रियाएं हैं उनके परिणाम है। आप सोचें कि किसी देश के ट्रामा सेंटर्स का 95% और अन्य स्वास्थ्य का 80% हिस्सा केवल इस कारणों पर खर्च होता हो कि जिनको हम आराम से बचा सकते हैं और उतना सारा मैन पावर, उतना सारा बल मनुष्यों का हम राष्ट्र के निर्माण में लगा सकते हैं, उसका सरल सा उपाय है योगी क्रियाओं को करना। लेकिन योगी क्रियाओं के करने की जो प्रक्रिया हम लोगों ने कर ली उसमें छोड़ दिया, उसके पहले और बाद में क्या करनी चाहिए उसको भी छोड़ दिया, और परिणाम यह हुआ कि हम उपयुक्त लाभ नहीं पाते। जैसे हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हों, हम प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन न करें, क्या स्थिति बनेगी, अच्छा खासा किया हुआ ऑपरेशन इन्फेक्ट होकर के खराब हो जाएगा। या उसका पोस्ट ऑप मैनेजमेंट ठीक से न करें, ड्रेन कब निकालना है, कब उनको क्या करना है, कभी न करें तो पूर्व और पश्चात क्रियाओं का इतना महत्व है। योग की सिद्धि का सारा दारोमदार उन क्रियाओं के ऊपर है। पूर्व क्रियाएं क्या है, पूर्व कर्म क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं थी। पंचकर्म वाले कहते थे स्नेह स्वेदन पूर्व कर्म है, शल्य वाले कहते थे कि दूसरा हमारा पूर्व कर्म है। मैंने एक परिभाषा बनाई, हमने कहा प्रधान क्रिया सौकर्यात पूर्वकृत कर्म पूर्व कर्म। जो हमारी प्रधान क्रिया पहले उसको डिफाइन करिए, अगर इंजेक्शन लगाना हमारी प्रधान क्रिया है तो उसके पहले भी हमको उस कर्म को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको पर एक्सीलेंस परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ कुछ क्रियाएं हैं और उन्हीं क्रियाओं को पूर्व कर्म कहा जाता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो प्रधान क्रिया से पहले की जाए। योग में हम जितना भी आसन प्राणायाम इत्यादि कर रहे हैं उसके पहले क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप यम और नियम का पालन करें। यम और नियम का पालन कैसे करें, कोई पालन ही नहीं करना चाहता, बताया भी नहीं जाता, तमाम ऐसे सेंटर्स हैं। एक बार मैं एक संत जी से मिला तो उन्होंने कहा, दूसरे संत जी ने कहा कि पुस्तक पढ़िए, उनका अगर इस पुस्तक को पढ़ के कोई उनको साधु बना दे तो मैं उनका शिष्यता स्वीकार कर लूं। पुस्तक तो लिखी जा सकती, उसे प्रभावित हुआ जा सकता है, लेकिन अपने आचरण में उतारना और जान लें कि अगर आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं तो यम और नियम ऐसे हैं कि जिससे हम सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हम सत्य बोल रहे हैं, कोई भी पाप बिना असत्य के नहीं हो सकता। अहिंसा पालन ही नहीं करेंगे, हम हिंसक हैं। जितने भी यम नियम के पालन हैं, आयुर्वेद में उनको सदवृत्त के नाम से कहा गया। सदवृत्त माने ऐसे वृत्त जो सदपुरुषों के द्वारा आचरणीय है। और इसमें एक सामान्य सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं कि आपको सदवृत्त करने के लिए, यम नियम पालन करने के लिए हरिश्चंद्र ही होना आवश्यक है।
लेकिन आप जितने सीवी से जा रहे हैं अपनी साइकिल मार्केट में दवा दुकान लेन पर खड़े कर रहे हैं तो ठीक से खड़े कर सकते हैं, जूते चप्पल ठीक से रख सकते हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो अपने क्रम से आप जा सकते हैं, एटीएम में जा रहे हैं तो अपने तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। और आज परिणाम में हुआ कि केवल इसी एक चीज के सदवृत्त का पालन न होने से हमारे देश में जो कोरोना की संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के सत प्रयासों से पूरी रुकी हुई थी उसको विफल करने का बड़ा भारी प्रयास किया गया और पूरे देश में कोरोना की संख्या लाखों में पहुंच गई, जिसे घटना चाहिए था। सदवृत्त का प्रयोग बताया गया कि पर बारुणी में स्नान करिए तो बिना सफाई किए वहां मत नहाइए, चार मुट्ठी मिट्टी निकालिए। सदवृत्त के प्रयोग में बताया गया कि नदी में नहा रहे हैं तो छींटे मत उड़ाइए, दूसरे के ऊपर गंदगी मत करिए। कितने ऐसे सदवृत्त बताए गए, अगर उसका दशमांश भी पालन हो तो हमारे मेडिकल तो सोचिए सोशल व्यवस्थाएं भी ठीक रहें। और केवल हेल्थ बजट के 80% और ट्रामा सेंटर के 95% बजट की बात सोचिए, कोर्ट कचहरी बंद हो जाए, नहीं पालन करेंगे, क्योंकि पालन कर देंगे और जो गुणवत्ता के साथ सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में 200% से अधिक इजाफा हो सकता है। अगर कोई सड़क 2.5 साल चलती है तो अगर सदवृत्त का पालन व्यक्ति के मन में रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही सड़क 10 साल तक चलेगी। हम इतने बड़े सोशल पैटर्न्स को छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने योग के बाकी हिस्सों का तो प्रचार करना शुरू किया लेकिन हमने उस हिस्से को नहीं बताया कि इसके पूर्व क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी मन स्थिति नहीं बनती। आपकी मन स्थिति नहीं बनती तो आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, एरोबिक्स करने के लिए जाते हैं, तो आप एरोबिक्स में जितना आपको लाभ होता है वही आप प्राप्त कर लेते हैं। आप सूर्य नमस्कार करने जाते हैं तो क्या आपकी मन स्थिति बनी कि हम भगवान सूर्य के सामने खड़े हैं और इनके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि अगर इनका इतना इतनी रश्मियां न होती, इतना टेम्परेचर न होता, इनके ऐसे घूमने का पैटर्न न होता तो शायद हमारी सृष्टि न होती, हम न होते। कभी आपके सांस प्रश्वास की कामना आपने की कि हमारे इस स्थिति में मेरी श्वास की स्थिति क्या है, मन स्थिति क्या है? नहीं, एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह से जितने जल्दी जल्दी जो कर ले उतना अच्छा सूर्य नमस्कार कर रहा है। इन चीजों को हम लोगों को इनसे बचना होगा। और यम नियम में ईश्वर प्रणिधान, एक छोटा सा उदाहरण क्योंकि समय कम है, ईश्वर प्रणिधान कितना आवश्यक है। हमारे देश में बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स बंद रहे। प्रोफेसर बीके द्विवेदी सर कहते थे कि गांव की महिलाएं अपने सामान्य बाल व्यवहार में बड़े बड़े साइकेट्रिक गांव में एक महिला 25 साल की है, एक दो बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, उसका हस्बैंड मर गया। आप उसकी मन स्थिति सोचिए, आगे पीछे का सहारा नहीं है, हर तरह से टूट गई है, सोच रही कि मर जाएं, क्या करें। गांव की चार महिलाएं आएंगी, सबसे पहले उससे एक सिनर्जी पैदा करती, उसी के साथ बैठ के रोना शुरू करेंगी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक कहेगी, क्या करेंगे बहन, भगवान को यही मंजूर था ना, ईश्वर के भरोसे उसने डाल दिया। फिर एक कर्मवाद बताएगी, क्या करेंगे, जो चढ़ा के आए हैं वही ने मिलेगा हम सबको। और धीरे धीरे ऐसी बातें करते करते फिर कहेगी, चलो अब अपनी तो छोड़ो, इन बच्चों के लिए सोचो। और फिर उन बच्चों के लिए उसको इतना कहते कहते उसके मन में भावनाएं भर देती हैं, उसको लगता है कि जीवन में जो बीता सो बीता, अब मुझे इन बच्चों के लिए जीना है, इनके लिए परिश्रम करना है। और वो पूरे बल के साथ उठ खड़ी होती है, न केवल घर से परिवार से बल्कि समाज के बीच में अपने को एडजस्ट करते हुए, कई बार उनसे लड़ाई करते हुए, लोहा लेते हुए भी अपने को खड़ी कर लेती है, जो मरने जा रही को जी करके और बच्चों को जिला के दिखा देती है। ये ईश्वर प्रणिधान है जिसका हम लोग एक प्रायोगिक प्रयोग देख रहे हैं कि गांव की वो चार पांच अनपढ़ 10 महिलाएं उसके साथ एक सिनर्जी बना करके और ईश्वर प्रणिधान के ईश्वर का नाम ले करके उसके बच्चों के प्रति उसके मन में एक ऐसी जिजीविषा दे देती हैं कि मरने वाली स्त्री खड़ी हो जाती है। यम नियम के ये प्रयोग है। सदवृत्त के छोटे छोटे प्रयोग अगर होते रहें तो हमारे लड़ाई झगड़े तो बंद हो जाएं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना सहकार उत्पन्न हो और सामाजिक बुराइयां खत्म होती जाएंगी, कोर्ट कचहरी के केसेस खत्म हो जाएंगे, स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहेगी और ट्रामा सेंटर का इनपुट बंद हो जाएगा, हृदय के होने वाले रोग नहीं होंगे, हाइपरटेंशन नहीं होगा,
उसके नाते होने वाली डायबिटीज नहीं होगी, लेकिन हम कभी भी उन चीजों के अभ्यास का प्रयत्न नहीं करते। और ये मूल है, क्योंकि योग में आपको इतनी सिद्धियां मिलती हैं कि सृष्टि लय हुई, आप ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त करने के साथ ही साथ आपका मन पूरा ब्रह्मांड लगता है कि मैं ही तो हूं, मुझे किसे नष्ट करना है। हम इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके लोगों के मन में, मैं ये नहीं कहता कि सब हरिश्चंद्र हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सब कम से कम अपने मन में एक परम परमात्मा का भय अपने मन में ले आए कि वह है, हमारे साथ है, और उससे हमको सहारा मिलेगा, संबल मिलेगा। इसीलिए सत्य का, सत्य से लेकर के यम के और उसके ईश्वर प्रणिधान तक के सारे उपाय जो हैं, इसको नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, इनकी बात करनी चाहिए, सदैव पालन करना चाहिए आयुर्वेद का। और तीसरी चीज जो है कि सदव्रत का पालन करना चाहिए। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इस दो तीन मिनट अपने को समेट ले सर तो अच्छा रहेगा। तो पूर्व कर्म का पालन करना चाहिए और इसके बाद पश्चात भी, जो पूर्व में आपका है वो इसके पश्चात भी लेके जाए, क्योंकि पूर्व में आपने पूर्व कर्म तो किया, यम नियम का पालन किया, और घर जाने के साथ ही वो सारी वृत्तियां आपकी मस्त हो गई। पश्चात का तात्पर्य है कि उसको स्टेबल रखें, उसको अपने साथ रखें, उसको नष्ट न होने दें। जैसे चिकित्सा की एक व्यवस्था होती है कि हम पहले रोगों से बचें, लेकिन अगर किसी कारणवश रोग हो गया तो हम चिकित्सालय गए, और चिकित्सालय में जाने के बाद हम स्वस्थ हुए, तो कम से कम अपने शरीर और मन की ऐसी स्थिति बनाए रखें कि दोबारा रोगाक्रांत न हो सके। ऐसे ही योग की क्रियाएं हैं, योग की एक स्थिति बनाई हमने पूर्व कर्म के द्वारा, उसकी क्रियाएं की धारणा ध्यान समाधि तक गए और वह मन स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमको सत्संग का और स्वाध्याय का वातावरण रखें, क्योंकि बाहरी सहारों से हमारा मन भागने लगता है। तुलसीदास ने लिखा है कि आवत देखें विषय व्यारी, तुरते दे कपाट उगारी, और सिद्धियां प्राप्त करने वालों का यह सबसे बुरा हश्र होता है। इसीलिए योग के पश्चात कर्म का ध्यान न रखने के कारण बड़े बड़े महात्मा मुनि लोग इस समय जिनकी सिद्धियां थी आजकल जेलों में पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व कर्म करें, पालन करें, और पश्चात कर्म के लिए उन भावनाओं को दृढ़ बनाने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखें और इसको फैलाएं। अभी विषय प्रतिपादन और करना था, लेकिन समय की बाध्यता के कारण माननीय महोदय का निर्देश मिल रहा है, इसलिए पुनः आप सभी को शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, इतना ज्ञानवर्धक आपने हमको मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद। शायद जीपी अवस्थी सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मीनाक्षी जी, यदि आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज़। जी डॉक्टर मीनाक्षी जी, कार्यक्रम आगे आप संचालित करेंगी, गुरुजी का उद्बोधन है, कृपया आप कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, और मेरा सभी साधु जनों को, गुणी जनों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। अभी इसके बाद हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हैं भावनीकांत मिश्रा जी, हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, जिनसे हम लोग लगातार मार्गदर्शन में सीखते रहते हैं। आप बिहार स्कूल ऑफ योगा से पिछले 25 सालों से, मतलब वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और पिछले 25 सालों से निरंतर वहां से जुड़कर योग के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर सभी को सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं, और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। और अभी हम लोग उनसे सुनेंगे कि योग आरोग्य में योग की क्या भूमिका है, इसके बारे में अभी हम सभी लोग उनका वक्तव्य सुनेंगे। गुरु जी आपका स्वागत है मंच पर। जी सभी आदरणीयों को हमारा सादर प्रणाम।
सबको नमन। और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जहां से कुछ सी एस पांडे जी ने एक प्रश्न अपने बीच में रखा था अपने वक्तव्य में कि इतने सारी संस्थाएं खुली हैं आप पूरे भारत वर्ष में, लेकिन फिर भी हमारा जो रोग का इंडेक्स है वो कम नहीं हो रहा, ये कंसर्न का विषय है, फिर भी वो कम नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो हमारा जो यंगस्टर्स है, जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है, हम उससे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो करनी बहुत जरूरी है। और योग की जो परिभाषा में अक्सर हम लोग एक बात बोलते हैं कि इट्स अ यूनियन, ये एक जोड़ता है आपको। और हम लोग जब यूनियन की चर्चा करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये परम सत्ता से आपको जोड़ता है, उस ईश्वर से जोड़ता है। हमें एक चीज ये समझनी है कि ये यंगस्टर्स को, ये जो नई पीढ़ी है, इसको ईश्वर की जगह हम एनर्जी का नाम लें, हम उस ऊर्जा का नाम लें जो आपके शरीर में विद्यमान है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर आपके अंदर ही। अगर उसको उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के बारे में अगर हम सोचें और योग को उस तरह से अगर इंप्लीमेंट करें लोगों के बीच में और ये समझाएं कि योग एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और इट्स अ यूनियन, इट्स अ विद द यूनिवर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपके जो अंदर की जो चेतना है उस चेतना का संबंध है आपके परम चेतना से, और उसको मिलाने की एक मेथड है, इट्स अ मेथड, एक मेथड है जो उसको मिलाएंगे। लेकिन अब इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले जो भी साधक योग की तरफ उनको अगर अग्रसर होना है, आना है, उनको लाना है, तो सबसे पहले उनको यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह फिजिकल बॉडी नहीं है। नॉर्मली हमारे यहां जो है वो जो यंगस्टर्स है वो सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर को ही सुंदर बनाने में 24 घंटे लगे रहते हैं, जिम चले जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, और बहुत सारी चीजें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको विषय वस्तु में उनको ये चीज नहीं समझाया गया कि ये शरीर केवल शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर अभी आपको और 4 शरीर का अनुभव करना है, और इन 4 शरीर की अनुभूति में आपको इस बात को देखना है कि हमारे शरीर के अंदर केवल ये फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये हड्डियां, ये मांसपेशियां, ये ब्लड, ये केवल शरीर नहीं है, इसको यौगिक भाषा में हमारे यहां अन्नमय कोश कहा गया, द बॉडी मेड कंपोज ऑफ मैटर, पदार्थ बना हुआ शरीर। इस शरीर के अंदर जो एक शरीर है उसको कहते हैं प्राणमय शरीर, द बॉडी मेड कंपोज ऑफ वाइटल एनर्जी, उसको प्राणमय शरीर कहते हैं। क्षमा करें, केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं, हमें इसकी यात्रा, इस जो नई पीढ़ी है उनको यह समझानी है कि भाई ये जो शरीर तुमको मिली है ये केवल शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर और भी शरीर है। जिस घर में तुम रहते हो तो केवल घर ही नहीं है, पूरे परिवार से एक घर बनता है, उस घर में एक बिजली का संचार होता है, उस बिजली की वजह से घर के सारे अप्लायंसेस चलते हैं, घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उस बिजली की वजह से चलते हैं, ऐसे ये शरीर है। अगर शरीर ये इसके अंदर सारे जो अप्लायंसेज है हमारे शरीर के अंदर, किडनी है, लिवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, सारे सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, ये सारे सिस्टम काम कैसे कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम जो है वो आपके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो प्राणायाम आप करते हैं, जो प्राण में कोश आपका जो विषय है वो उससे संबंधित है। तो ये समझना हमें जरूरी है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, जो आपके मन से, मन का एक कलेक्शन है, जो दिन भर हम लोग विचार रूपी भोजन करते हैं, उस विचार रूपी भोजन को कहीं ना कहीं स्टोर करते होंगे, विचार रूपी भोजन का जो वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता,
जैसे आप एक डिवाइस लेते हैं, बच्चे इस बात को बहुत बढ़िया से समझेंगे कि आपके पास जो कंप्यूटर्स है, जो आपके पास जो डिवाइस है मोबाइल, उसमें जो दिन भर जो मेमोरीज आती है वो किसी न किसी एक इनबॉक्स में स्टोर होगी, भर जाती है तो आपसे कहती है इसको खाली कर दो। आप उसको अपनी जितने भी आपकी कैपेसिटी होती है 2 GB की, 10 GB की, 25 GB की, आप उसको खाली करते हो और उसके बाद तब जो है उसके अंदर नई चीजें आना शुरू होती हैं। वैसे ये भी शरीर एक डिवाइस है, इसको भी एक डिवाइस समझिए, ये भी डिवाइस, ये डिवाइस भी वैसे ही काम कर रही है जैसे आपके हाथ में 24 घंटे आपको रखे हुए हैं डिवाइस। उस डिवाइस के अंदर जैसे गूगल को खोलते हैं तो गूगल के अंदर सारी मेमोरीज हैं, सारे सारी इंफॉर्मेशन हैं, वैसे आपके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन है, उससे भी अपडेटेड, उससे भी बहुत स्ट्रांग सारी इंसाइक्लोपीडिया आपके अंदर है और उसको हम लोग विज्ञानमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष द बॉडी मेड कंपोज ऑफ मैटर, प्राणमय कोष द बॉडी मेड कंपोज ऑफ वाइटल फोर्सेस एंड एनर्जी, मनोमय कोष द कलेक्शन ऑफ थॉट्स और विज्ञानमय कोष द कलेक्शन ऑफ पूर्व संस्कार, यानी पहले के संस्कार क्या हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हम उसी परमात्मा के हम एक अंश हैं तो सारी इंफॉर्मेशन जो उस परमात्मा के पास है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उस परमात्मा को जानना क्यों योग कह रहा है कि उस परमात्मा को जानना, यानी टू नो योर सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी जो होती है, अध्यात्म जो होता है, ये ईश्वर की चर्चा नहीं करता, वो अपने सेल्फ की चर्चा करता है, वो खुद की चर्चा करता है। सेल्फ का मतलब सेल्फ में आते हैं आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी चेतना, योग चेतना की चर्चा करता है। योग कहता है कि आप अपनी चेतना का विकास करें। चेतना आएगी कहां से, चेतना का विकास कैसे होगा, चेतना सजगता से आती है। और इसीलिए योग में जब सिस्टमैटिकली योग को समझाया गया तो योग में कहा गया कि सबसे पहले आप अपने शरीर को एक शरीर की तरह मत देखिए, उसके अंदर भी और 4 शरीर को अनुभव करने के बारे में सोचिए, समझिए और उन 4 शरीरों की अलग अलग यात्रा बताई गई है योग में। अगर अन्नमय शरीर है तो उसके लिए आसन है, प्राणमय शरीर है तो उसके लिए प्राणायाम है, मनोमय शरीर है तो उसके लिए प्रत्याहार और धारणा है, और विज्ञानमय शरीर उसके लिए ध्यान है। और इन चारों अभ्यासों को और भी एलाबरेट करते हुए और भी आगे बताते हुए तो योग कहता है कि भाई आसन, जो आसन का नाम आता है उसको कहते हैं हठ योग। पतंजलि योग सूत्र में, जैसे पतंजलि के नाम पे ही ज्यादा चर्चा आज के समय में होती है, पतंजलि जी राजयोग के थीसिस लिखे हैं। ये सारे जितने भी हमारे यहां स्वात्माराम, घेरण, गोरखनाथ जी, पतंजलि जी, सब जो संत साधु हमारे यहां जो हुए, उन्होंने अपने अपनी अपने सब्जेक्ट पे थीसिस किए और पतंजलि जी का जो थीसिस था वो राजयोग पर था। राजयोग कहते हैं द सब्जेक्ट ऑफ माइंड, ये मन के मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है राजयोग, और हठयोग जो है ये बॉडी मेंटेनेंस का सब्जेक्ट है। तो ये समझाना लोगों को जरूरी है कि जो योग है, लोग सोचते हैं योग यानी योग करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, ध्यान करना, ये समझना ठीक है, अच्छी बात है इस बात को समझना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। अन्नमय शरीर में रहते हुए आप प्राणमय शरीर का अभ्यास करेंगे, प्राणमय शरीर में रहते हुए आप विज्ञानमय शरीर, मनोमय शरीर का अभ्यास करेंगे, मनोमय शरीर में रहते हुए आप विज्ञानमय शरीर का अभ्यास करेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचता। आज के समय में इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, इंटेलेक्चुअली जो लोग बहुत अपडेट हैं, तो वो लोग बैठ करके मेडिटेशन करना बहुत बढ़िया समझते हैं, ध्यान लगाना, वो विज्ञानमय शरीर का काम है। जब आप विज्ञानमय शरीर में पहुंचेंगे तब उसका आप दर्शन करेंगे, तब उसका आप अभ्यास करेंगे। एक शरीर में रहते हुए एक समय में आपको एक ही अभ्यास करनी होगी और आसन अन्नमय शरीर का अभ्यास है। तो जो अन्नमय शरीर है उसके लिए आसन क्यों करनी है? आसन करने से होगा क्या? अभी प्रोफेसर साहब ये बात बता रहे थे आखिरी में कि लोगों को चाहिए कि अपने श्वास के साथ संबंध बनाए, और आसन यही करता है। आसन आपके अंदर की शक्ति से आपको परिचय कराता है। आपके शरीर में 2 चीजें को जो मिलाने की जो क्रिया होती है, जो जिसे हम लोग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, या यौगिक भाषा में हम लोग उसको ईडा और पिंगला कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव करंट कहते हैं,
और डॉक्ट्रिन भाषा में वैज्ञानिक हम लोग अपने चिकित्सा भाषा में उसको हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, द एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन सिस्टम। इन दोनों को मिलाना, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, इन दोनों को सिंक करना, सिंक्रोनाइज करना, ये आसन का लक्ष्य है। आसन यही काम करता है। आसन में पहली बार साधक यह एहसास करता है कि उसका दाहिने शरीर का संबंध उसके दाहिने स्वर से है और बाएं शरीर का संबंध उसके बाएं स्वर से है। दाहिना स्वर जो होता है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, द फिजिकल स्ट्रक्चर, द प्राणिक बॉडी कहते हैं, और बाया जो है वो आपका मेंटल बॉडी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द माइंड। बाया नॉस्ट्रल जो है बाई नासिका चित्र, ये माइंड को रिप्रेजेंट करती है। दाहिना शरीर जो है, दाहिना नॉस्ट्रल जो है, ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी और माइंड का एक कॉर्डिनेशन है, ये शरीर जो है। और बॉडी एंड माइंड दे आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज, वो एक एंटिटी, दे आर सेम फिनोमेना, दे होल्ड सेम फिनोमेना। बॉडी और माइंड अलग नहीं है। बॉडी थक जाएगी तो माइंड भी थक जाएगी, माइंड बॉडी को ज्यादा यूज करेंगे तो मन भी थक जाएगा, मन को ज्यादा यूज करेंगे तो बॉडी भी थक जाएगी। तो इन दोनों में संतुलन लाना, इन दोनों में समावेश करना, इन दोनों में संतुलन क्रिएट करना, ये आसनों का लक्ष्य होता है। दुर्भाग्यवश आज की जो पीढ़ी है, 75% ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है, उसकी चेतना, उसकी केवल फिजिकल बॉडी तक स्टिक है। 20% जो है उसकी कॉन्शियसनेस उसके मनोमय कोष में, मन तक स्थित है। केवल 2%, 2-5% की स्थिति वो केवल अपने प्राण को अनुभव करता है, जिसकी वजह से वह एग्जिस्ट कर रहा। वो कभी अपने श्वास के प्रति सजग होता ही नहीं, उसने कभी अपने श्वास को आज तक जाना ही नहीं, कभी उसने श्वास को आज तक समझा ही नहीं। इवन इनफैक्ट इतने सालों के इस अभ्यास में, इतने सालों के इस यात्रा में, हमने जिससे भी आज तक पूछा है कि आप श्वास लेते हैं तो क्या आपका पेट आगे आता है, हमें रेयर टू रेयरेस्ट लोग मिले हैं आज तक जिन्होंने ये कहा हो कि श्वास लेते समय हमारा पेट आगे आता है। मैक्सिमम लोगों का पेट अंदर जा रहा है, श्वास लेते समय उनका पेट अंदर जा रहा है, छोड़ते समय उनका पेट बाहर आ रहा है। पहली कड़ी को यही समझनी बहुत जरूरी है कि क्या आप रिलैक्स हैं, तो पता चलेगा कि सब लोग, मैक्सिमम लोग कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमेशा स्ट्रेस में है। और वो स्ट्रेस इतना डीप रूटेड है, इतना डीप रूटेड है कि वो स्ट्रेस कब डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया उनको पता ही नहीं चला। स्ट्रेस इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। अगर स्ट्रेस नहीं होंगे तो आप अपने लाइफ में मोटिवेट नहीं होंगे। स्ट्रेस मोटिवेट्स यू, लेकिन वो स्ट्रेस डी स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो जाए, वो आपके मन को कंट्रोल ना कर ले। आप मन के कंट्रोलर हो, आपका मन वो ना लगे कंट्रोल करने। इसलिए साधक को, प्रैक्टिशनर्स को ये समझना जरूरी है कि भाई इन, ये जो शरीर और मन है, इसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है हमारे अंदर, तो वो केवल आपकी श्वास है। और इसके लिए गीता में भगवान चाहते तो कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पेड़ों में यदि पीपल मैं हूं तो शरीर में श्वास मैं हूं। इस श्वास को समझना ही इस योग दर्शन का लक्ष्य है। दर्शन फिलॉसफी जो इसको कहते हैं, दर्शन मत का मतलब होता है आंतरिक दर्शन, देखना। देखेगा कौन? आपकी चेतना। ये दो आंखें नहीं देखेंगी उसे। जब ये दो आंखें बंद हो जाएंगी तो आपकी अंदर की आंख, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, वो देखना शुरू करती है और वो अनुभव करती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। धीरे धीरे हम लोगों को ये लोगों को समझाना होगा, इस यंगस्टर्स को समझाना होगा कि प्लीज इस शरीर को साइंटिफिकली देखिए, योगा को एक मैनेजमेंट के तौर पर समझिए, योगा को आध्यात्मिकता में पहले मत लाइए। आध्यात्मिकता उसका दूसरा पक्ष है, योग का पहला पक्ष है व्यवहारिक और दूसरा पक्ष है उसका आध्यात्मिक। हम लोगों को जब योग को प्रेजेंट कर रहे हैं सामने लोगों के, तो हम लोग आध्यात्मिक पक्ष पे इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि ये यंगस्टर सोचते हैं भाई अभी तो हमको नहीं जाना है हिमालय में, भाई अभी हमको हिमालय नहीं जाना। उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ये हिमालय की चर्चा नहीं चल रही, ये कोई ईश्वर बाहर नहीं बैठा हुआ हमारे यहां। क्योंकि लेमन को समझाने के लिए इस प्रकार से उसको आध्यात्मिक स्वरूप दिया गया,
कि लोग धीरे धीरे उसके थ्रू समझें हर चीजों को। हमारे यहाँ नवरात्र बताई गई कि क्यों नवरात्र आती है, नवरात्र की पूजन रखी गई, कैसे गर्मी और ठंडी का मिलन होता है, उस संधि को नवरात्र कहा जाता है, क्यों करना चाहिए अपना नवरात्र। उस संधि बेला में जो है वो शरीर विचलित हो जाती है, ठंडी से गर्मी आ रही होती है, गर्मी से ठंडी जा रही है, तो ये आध्यात्मिकता के तौर पर उसको समझाया गया कि नवरात्र करेंगे तो शरीर संतुलित रहेगा। लेकिन लोगों को समझाने के लिए जब आप उनको ये समझाने जा रहे हैं कि आप योग को अपनाइए, अपने जीवन में लाइए, तो उसको ये बात समझना हो, समझाना होगा कि ये शरीर एक डिवाइस है, ये कंप्यूटर है, और इस शरीर को अगर आप कंप्यूटर की तरह से अगर देखेंगे, डिवाइस की तरह से देखेंगे, 24 घंटे आपके हाथ में रहता है, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप इस शरीर को ज्यादा समझ पाएंगे। और उस तरह से जब आप समझेंगे शरीर को तो आप जानेंगे कि यस, ये असंख्य ज्ञानी है, तब उसको समझ में आएगा कि ये केवल ये जो शरीर है ये ओमनी साइंस है, ओमनी पोटेंट है और ओमनी प्रेजेंस है, इसके अंदर एक बहुत नॉलेजेबल है। ओमनी साइंस कहते हैं इट्स अ नॉलेजेबल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ओमनी पोटेंट कहते हैं इंफिनाइट। ये जो ओमनी साइंस ओमनी प्रेजेंस है आपके अंदर, इसको लोगों को समझाना कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम ही विवेकानंद हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम्हारे अंदर ही बुद्ध है, तुम्हारे अंदर ही राम है, तुम्हारे अंदर ही कृष्ण है, जो कृष्ण में गुण है, जो राम में गुण है, जो बुद्ध में गुण है, जो शिवानंद में है, जो सत्यानंद में है, ये सारे गुण हम लेकर के आए हैं, हम उसको जागृत नहीं कर पा रहे। वी डोंट नो हाउ टू ओपन दैट फाइल। जैसे एक नया मोबाइल या नया कंप्यूटर किसी के हाथ में दे दिया जाए और उसको ये पता नहीं होता इसको कैसे यूज करें, ठीक वैसे ही हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे शरीर को हम कैसे यूज करें और कितने हद तक, कितने लेवल तक इसको हम यूज कर सकते हैं, इसकी हिडन पोटेंशियल क्या है, कितनी है, ये हमें जानकारी नहीं। अगर लोगों को ये जानकारी दी जाए कि आपके अंदर वो सारी इंसाइक्लोपीडिया है जो आप बाहर पढ़ना चाहते, वो सारी चीजें आपके अंदर विद्वान है, ईश्वर ने आपको पूरी तरह से आपके अंदर एक ऐसा चिप डाल के भेजा हुआ है, इस सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, पाएंगे कैसे, उसका एक प्रोसेस बताया गया। वो एक प्रोसेस है, जैसे गृहिणी घर में रहती है और वो दूध में घी है, ये जानती है कि दूध में घी है, तिल में तेल है, वो पायलट जो होता है जो तेल निकालता है वो जानता है कि इसके अंदर तेल। वैसे ही शरीर में आत्मा रहती है, शरीर में कॉन्शियसनेस रहती है, शरीर में ऊर्जा रहती है, ये लोगों को समझाना होगा और उसके प्रोसेस को बताना होगा कि ये किस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे। और वो प्रोसेस जो है ये हठ योग बताया गया स्वात्मा राम के द्वारा, घेरण के द्वारा, जब उन्होंने देखा कि जानवर लोग अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखते हैं प्रकृति में, उन लोगों से सारे के सारे आसन लिए गए और उनको उनके द्वारा जो भी आसन हमारे यहां उसी नाम से, उनके नाम से ये आसन सारे के सारे हमारे यहां दिए गए। एग्जाम्पल के तौर पर भुजंग आसन है, अर्सल्व आसन है, शशांक आसन है, ये सब जानवरों से लिए गए, वो लोग कैसे नेचर में अपने आप को ठीक रखते हैं उससे लिए गए। और आसन हमारे यहां धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एक संतुलन क्रिएट करता है, जो ईडा और पिंगला और बासु जी इसके बारे में बहुत बढ़िया एक दिन समझा रहे थे लोगों को कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका राइट नॉस्ट्रल और जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यह आसन का काम है इसको एक्टिवेट करना। जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका संबंध आपके मूलाधार से और आपके आज्ञा से स्ट्रेट है। मूलाधार एक स्टिमुलेशन है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, इंपल्स भेजती है आपके आज्ञा चक्र को, और आज्ञा चक्र और मूलाधार के बीच में जब कोऑर्डिनेशन होती है तो बॉडी बढ़िया से काम करती है। लेकिन यह कोऑर्डिनेशन उसके अंदर आती कब है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवपन है ये स्वादिष्ठान से लेकर के विशुद्धि के बीच में, स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत और विशुद्धि, ये चार जो हमारे चक्र होते हैं, चार साइकिक सेंटर्स होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का संबंध आपके मूलाधार से आपके आज्ञा के बीच में होता है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है आसन से। और जब ये दोनों कोऑर्डिनेट होते चलते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी धीरे धीरे स्टिमुलेट होकर के विकसित होती है। हमारे आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है कि एनर्जी जो है ये डॉर्मेंट है, यानी जो अनमैनिफेस्ट फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पर समझें आप, तो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है,
इज एन अनमैनिफेस्ट फॉर्म, उसको चाहे आप ब्राह्मण कह लें, उसको चाहे आप ईश्वर कह लें, कोई नाम दे लें, सो कहते हैं द अनमैनिफेस्ट फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएशन। तो जो अनमैनिफेस्ट है वो जब नीचे उतरता है तो वो मैनिफेस्ट फॉर्म में आता है, जैसे हम लोग हैं, वी आर द मैनिफेस्ट फॉर्मेशन ऑफ दैट क्रिएशन। तो ये जो यात्रा हम योग की कर रहे हैं, वी आर अगेन मूविंग फ्रॉम द मैनिफेस्ट टू द अनमैनिफेस्ट, वापस से उसकी तरफ जाना है हमें। तो हमारे अंदर वो अनमैनिफेस्ट फॉर्मेशन कौन है, हमारे अंदर वो अनमैनिफेस्ट फॉर्मेशन एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी। उस एनर्जी को महसूस करना, उस एनर्जी को समझना कि एनर्जी क्या है, सबसे पहला लक्ष्य योगी का ये होगा। और आसन हमें अपने प्राणायाम से परिचय कराती है। कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं गुरु जी, बस ठीक है। आसन जो है वो हमारे प्राणमय प्राणमय कोष से परिचय कराती है। यात्रा जो है योग की वो स्टार्ट होती है प्राणमय कोष, और यात्रा आसन से नहीं होती। यात्रा आसन केवल एक प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस, वो तैयारियां हैं, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि यम और नियम और आसन दे आर द प्रिपरेशन ऑफ योगा, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। यम और नियम जो एलिजिबल है, जैसे आप लोग बीएचयू में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको अपना रिटन एग्जाम देनी होती, उसको पास करनी होती उस एग्जामिनेशन में जाने के लिए और उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो योग में बताया गया है कि यम और नियम जिनके जीवन में अगर है तो दे आर द एलिजिबल पर्सन टू कम इन टू योगा, वो लोग आ सकते हैं, योग उनके लिए योग है। जो लोग अपने जीवन में यम नियम को करते हैं या कभी उनके मन में यम और नियम पालन करने का भाव आता है, उनके लिए योग का रास्ता है, वो लोग योग में। इसलिए ये फैकल्टी है, इसमें सभी लोग सिस्टमैटिकली आ जाएं, सभी लोग बहुत ही बढ़िया से इसको समझें। इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी कि उसको वो आसानी समझ लें, क्योंकि एक एलिजिबल पर्सन ही समझेगा कि वास्तव में ये यात्रा हमें कहां ले जा रही है, कहां जाना है। जैसे हम एलिजिबल होते हैं, जैसे हम अपने अन्नमय को प्राणमय में प्रवेश करते हैं, अब प्राणमय शरीर में क्या होता है, हम प्राणमय शरीर में अपनी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। ऊर्जा कैसे अनुभव होती है? ऊर्जा श्वास के माध्यम से अनुभव। अभी जो आप श्वास ले रहे हैं ये स्थूल श्वास है, जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे, उसमें ताकत लग रही है लेने और छोड़ने। जब ये श्वास सूक्ष्म हो जाती है, सरल हो जाती है, लेने और छोड़ने में इसमें कोई ताकत नहीं लगती, तब वो प्राणमय कोष में प्रवेश करती है, सटल एनर्जी कहते हैं उसको, सूक्ष्म श्वास। और वो सटल एनर्जी को जब अनुभव हम करते हैं अपने अंदर, तो उस प्राण में गुण देखते हैं हम लोग। जैसे उस श्वास को अनुभव करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं वो श्वास कंप्लीटली साउंडलेस है, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई प्रयास नहीं, और वो छोटी और गहरी है, बहुत गहरी। जब ये तीन गुण हम लोग अपने श्वासों में देखते हैं, तब कहीं जाकर के हम ये समझ पाते हैं कि ये क्रिया जो है ये कैसे हमें आगे लेके जाएगी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राणमय कोष के बाद फिर हम लोग अपने अनाहत चक्र में आते हैं, जो हमारा हृदय सेंटर है, और हृदय सेंटर से फिर हम लोग विशुद्धि चक्र में जाते हैं, विशुद्धि से हम लोग आगे हमें तो कंट्रोलर कहते हैं उसको। सिंपल भाषा में अगर उसको समझाएं तो जो आपका भ्रूमध्य है यह आपका मास्टर है, इज अ मास्टर। विशुद्धि चक्र जो है यह आपका मंत्री है, और बाकी के नीचे को गवर्न करने वाली आपकी ये विशुद्धि चक्र होती है। अब पूरा शरीर इसी से गाइड होता है, और जब साइंटिफिक वे में लोगों को समझाया जाएगा इन बच्चों को, तभी जाकर के जो है वो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि योग क्यों हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। समय काफी कम है तो कंक्लूड किया जाए इसी पर, और आगे के विषय में फिर कभी चर्चा होगी। यही से हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। हरिओम। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बड़े ही से प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से समझाया कि भगवान तक हमें पहुंचना भी है, लेकिन उसको इस तरीके से समझ के जाना है कि हम
अपने दैनिक जीवन के साथ उसका तालमेल बनाएं और उसके साथ हम योग को अपने साथ आत्मसात करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी को, वो संक्षिप्त रूप से योग पर विचार करेंगे। अवस्थी जी आपका स्वागत है। हाँ धन्यवाद धन्यवाद जी। विद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सिद्धांत और दर्शन विभाग के डॉक्टर चंद्रशेखर प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे जी बोल रहे थे और उसके पश्चात भामनी कांत मिश्र जी जो योग गुरु हैं वो उद्गार व्यक्त कर रहे थे और दोनों में मैंने एक समानता देखी और उसमें मैंने एक समानता देखी कि दोनों अपना जो श्रेष्ठ है उसको अर्पित करने के लिए और दर्शक और श्रोता को अधिक से अधिक देने के लिए उनका यत्न प्रयत्न था। क्योंकि योग बहुत विशाल है, स्वाभाविक है कि बहुत समय की सीमाओं में उसको बांधने में कई बार दिक्कत होती है। मन तो कर रहा था हम दोनों वक्ताओं को सुनते चले जाए। अभी हमारे पूर्व के वक्ता यामिनी जी जो बोल रहे थे वो व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों धरातल पर बहुत ही संतुलन के साथ बोले। संदर्भ में अब सीधे यह जो भाव है कि अपना हम श्रेष्ठ अर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, यही भाव हमारे प्रधानमंत्री के अंदर आया। जब वो सत्ता संभाले तो क्या देखा कि देश में 24 लाख करोड़ की विदेशी दवा प्रतिवर्ष भारतीय खा जाते और उसके बावजूद उनकी कार्यक्षमता, दक्षता, योग्यता, उत्पादकता घट रही है। स्वयं योग के एक अच्छे अभ्यासी हैं और योग के शक्ति सामर्थ्य को वो तो ये प्रधानमंत्री जी ने योग के सामर्थ्य को देखा, समझा और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावये, पूरे विश्व के कल्याण के लिए 21 जून 2015 को पूरे विश्व के सामने या विश्व योग दिवस के रूप में इसको स्थापित किया। योग की सामर्थ्य क्या है इस पर तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विधिवत प्रकाश डाला है, लेकिन संक्षेप में बता दें योग करने में जो पैसा खर्च होता है वह जीरो बैलेंस है और उससे हम अनंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभी हमारे मिश्रा जी बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि हमारे अंदर वो सारी शक्ति दृष्टि विद्यमान है, प्रभु ने दिया है, जो ब्रह्म के पास है, जो ईश्वर के पास है वो मेरे पास है, उसको मैं विषयांतर से प्रकरांतर से उसको प्रकट करता हूं। ये बात है श्वेत केतु और उद्दालक का संवाद। पुत्र अपने गुरुकुल से पढ़ करके आता है, पिता पूछता है क्या बेटा तुमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो अश्रव्य है, जो नहीं सुना गया वह भी सुन लिया जाता है, जो अदृश्य है वह भी दिखाई पड़ने लगता है, जो अज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है। बालक बड़ा परेशान हुआ, पुत्र बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन सा विद्या है कि जिसको जानने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तब उन्होंने तत्त्वमसि तत्त्वमसि इस सूत्र को प्रतिपादित किया कि बेटा वो अब केवल तुम अपने को जान लो, अर्थात अपने उस
आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाओ, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी हम अपनी बातें अनुशासन में समाप्त करें, कुछ व्यवहारिक बात आपको बताएंगे। व्यवहारिक बात यह है कि जब हम आसन करते हैं तो आसन को जब हम श्वास से जोड़ लेते हैं तो वह 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। सभी जानते हैं, हमारी मिश्रा जी भी इसके अच्छे विशेषज्ञ हैं, जब हम हमारा अंग नीचे जाता है तो श्वास छोड़ते हैं, जब हमारा अंग ऊपर जाता है तो हम श्वास लेते हैं। श्वास से जोड़ देने पर वह 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है, और उसी के साथ जब हम मन जोड़ देते हैं तो वह और 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात केवल आसन ही नहीं करना है, आसन के साथ उसको श्वास से जोड़ना है, श्वास के साथ साथ मन से जोड़ना है, तो आश्चर्यजनक बहुत अल्प समय में उसके फायदा हमको प्राप्त हो जाते हैं। अभी उन्होंने श्वास की बात कही, स्वर विज्ञान की बात कही, तो स्वर विज्ञान के बारे में एक छोटी सी जानकारी आज के दिन हम शेयर करना चाहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको भूख लगा है तो आप देख लीजिएगा कि आपकी दाहिनी नासिका चल गई, अर्थात सूर्य नाड़ी चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपको प्यास लगा है तो चेक करके देखिएगा तो बायां नासिका चल रही है। इससे यह संदेश मिला कि अगर हम दाहिने श्वास में भोजन करने का और बाएं नासिका के चलने पर पानी पीने का अभ्यास करते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ी साधना है। और आश्चर्य करेंगे कि जब आपको प्रेशर बनेगा मलत्याग का तो दाहिना स्वर चल रहा है, और जब पेशाब की इच्छा उत्पन्न होगी तो बायां स्वर चल रहा है, और दाहिना स्वर चल रहा था, भूख लगी थी, खाना नहीं मिला, देर हो गया, बायां हो गया, तभी लोग कहते हैं भूख मर गई। अर्थात स्वर के अनुसार भोजन करने का, पानी पीने का अभ्यास निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। वह स्वर विज्ञान स्वयं में एक अपने में पूर्ण विज्ञान है। योग, योग सीधी सी बात यह है, शरीर का श्वास से, श्वास का मन से, मन का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से जोड़ने का नाम ही योग है। और जैसा अभी खट चक्र की बात कर रहे थे, मूलाधार स्वाधिष्ठान मलपुर अनाहत और आज्ञा चक्र तत्पश्चात सहस्रसार, इसको एक क्रम में जोड़ने का नाम भी उस कुंडलिनी को जागृत करने का एक उपक्रम है। और कुंडली जागृत करने के बाद हमको वह दृष्टि शक्ति प्राप्त हो जाती है जो अनंत है। और यहां एक बात और बता दें, जब हम तनाव में जाएं, जब हम व्यग्र हों, जब हमारी धड़कन बढ़ जाए और जब हम निराश हों, हताश हो, तो उस वक्त एक छोटा सा प्रयोग करें। आप अपने से अपने मन को बाहर निकाल करके अपने को देखिए, दृष्टा बन करके अपने को देखिए और उस सिचुएशन को देखिए कि यह सिचुएशन है, समय कम है, काम ज्यादा है, संसाधन कम है, या कैसे होगा। जो ही आप अपने को देखते हैं, आप अपने स्ट्रेस को वहीं पर प्रबंध कर लेते हैं और स्ट्रेस लेस हो जाते हैं। और हमारे जो नवयुवक हैं, आज के प्रबंध शास्त्र का जो सबसे लेटेस्ट फार्मूला है स्ट्रेस लेस मैनेजमेंट, वह योग से ही निकलता है, योग से ही वह फार्मूला निकलता है। उस पर फिर किसी दिन विधिवत चर्चा की जाएगी। लेकिन एक अभ्यास और बता दें, जब आप व्यग्र हो, तनावग्रस्त हो, तो आप शवासन में लेट जाएं और अपने श्वास पर ध्यान टिका दें। यह श्वास कुछ लोगों का गले तक जाता है, वापस आता है, कुछ लोगों का हृदय तक जाता है, वापस आता है, कुछ लोगों का नाभि तक जाता है, वापस आता है। बस उसी पर अपने ध्यान को टिकाए रखिए, देखिए कहां से श्वास की गति मत बढ़ाइए, स्वाभाविक श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए। ऐसा करने से वह जिस भी, जैसे मूलाधार स्वाधिष्ठान भरपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञा
चक्र जिस भी चक्र तक वह आता जाता है वह जागृत हो जाता है, उसके बाद आपको स्वयं ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह योग निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विश्व इसका अनुसरण कर रहा है और आज हम छठवां दिवस मना रहे हैं। इस दिवस पर हम सबको विश्व योग दिवस की शुभकामना दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जी धन्यवाद भाई साहब, क्षमा करिएगा, समय की बाध्यता है, हम सभी जानते हैं। 4:20 पे आज इसका समापन करना था। हमारे बीच में सुनील जी उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। सुनील जी भाई साहब अनम्यूट करिएगा अपने आपको। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी जी, अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने आज किया। आरोग्य भारती काशी प्रांत ने इस कोरोना काल में अनेक वेबिनार संगोष्ठी आयोजित किया है, कुछ प्रादेशिक स्तर पर एवं कुछ राष्ट्रीय स्तर पर। अभी योग सप्ताह मनाया जा रहा है, इस अवसर पर भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही आज का ये आयोजन घर पर करें योग रहें निरोग भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संध्या में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए एवं आज के कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, जो कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं, आपका मार्गदर्शन मिला है। आपने योगाभ्यास, पेशेंस, पॉजिटिविटी इत्यादि पर जोर दिया है, स्वस्थ वातावरण के निर्माण पर भी आपने जोर दिया है। स्वस्थ वातावरण से ही देश का हेल्थ इंडेक्स सुधर सकता है, ऐसा आपने स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना भी स्वस्थ वातावरण के निर्माण से संभव है ऐसा आपने योगाभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया है। अपने व्यस्त समय से विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने बीच आज इस कार्यक्रम में श्रीमान जी उपस्थित रहे, आपने भी योग पर विशेष प्रकाश डाला तथा उसके अभ्यास के लिए प्रेरित किया। आज योग को वैश्विक स्तर प्राप्त है, आज चिकित्सक भी चिकित्सकीय सलाह में योग को सम्मिलित करते हैं। आपने भी योग की आवश्यकता को बताया तथा अभ्यास पर जोर दिया। आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से आपको ढेर सारी धन्यवाद। विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अपने बीच प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे जी उपस्थित थे, आपने भी योग एवं उसकी आवश्यकता पर विशेष बल दिया। आपने योग के परापर विषय की चर्चा की, आपने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष को आरोग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, जैसे यम नियम का पालन वो आवश्यक है। आरोग्य और योग में अन्योनाश्रय संबंध है, आपने इस पर बल दिया। आपके इस सारगर्भित जानकारी के लिए हम सभी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अन्य वक्ता योग गुरु भामिनीकांत मिश्रा जी, जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योग सप्ताह में आपने पूर्ण सहयोग दिया है। आपने योग के व्यवहारिक ज्ञान एवं उसकी उपयोगिता को हम लोगों को सरल भाषा में बताया एवं अभ्यास कराया है। इस योग सप्ताह में योग की बारीकियों पर आपने विशेष प्रकाश डाला। आरोग्य भारती काशी प्रांत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। काशी प्रांत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी ने आज के विषय की स्थापना की,
हम सभी को आज के विषय से अवगत कराया। आपके प्रत्यक्ष रूप आपने प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रत्यक्ष रूप से कुशल दिशा निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। काशी प्रांत आपके नेतृत्व में और अधिक कार्यक्रमों को आयोजित करेगा, ऐसी आपसे आशा है। काशी प्रांत के तरफ से हम सभी आपके आभारी हैं। धन्यवाद कहना तो आपके लिए उचित नहीं रहेगा, आभार व्यक्त करना अधिक उचित है। संयोजक मंडल, कोई कार्यक्रम बिना संयोजक और कुशल संयोजन के संभव नहीं हो पाता है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से संयोजक मंडल के ऊपर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में डॉक्टर गणेश अवस्थी जी, डॉक्टर अवनीश जी एवं डॉक्टर मीनाक्षी जी का की अहम भूमिका रही है। हम आप सभी को बधाई देते हैं। कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है। संचालक महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुनील जी, और मुझे लगता है इस धन्यवाद की श्रृंखला में एक नाम छूट रहा है, वो मैं पूरा कर देती हूँ। हमारे काशी प्रांत के सचिव सुनील जी, जो इस धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा को बड़े और पूर्णता के साथ निभाते हैं, ठहराव के साथ सभी एक के बारे में वक्तव्यों को जोड़ते हुए जितना सुंदर ढंग से रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम लोग चूंकि समय से काफी पीछे चल रहे हैं, यदि सभी की सहमति हो तो मैं मंत्र, छोटा मंत्र करके इस शांति मंत्र को। डॉक्टर मीनाक्षी, मेरी आवाज जी, कुछ नाम में और लेना चाहता हूँ। हाँ जी, कुछ नाम में और लेना चाहता हूँ, इनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े। जी जी जी, डॉक्टर जी एस दुबे जी हमारे साथ जुड़े, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से, डॉक्टर अभिषेक जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी मिर्जापुर से, श्रीमान अनिल कुमार श्री माली जी, डॉक्टर विवेक सिंह जी चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर, श्रीमान धीरज केसरी जी कोषाध्यक्ष हलिया, डॉक्टर विपुल नारायण जी, श्रीमान नीरज द्विवेदी जी, ऐसे सभी लोगों को जो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े एवं फेसबुक पे जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा, मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप धन्यवाद शांति मंत्र का पाठ करें। डॉक्टर जी, मैं छोटा मंत्र ही कह रही हूँ, उसी के साथ हम लोग उसका समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति 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 ही। सभी को धन्यवाद, और इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। अवनीश जी को मैं सौंपती हूँ, उसके बाद धन्यवाद। सभी को एक बार प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। श्रीमान सोहन भाई साहब जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? नहीं होगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद जी, धन्यवाद।